डब्ल्यूबीसी। कौन सा हेडिंग? डब्ल्यूबीसी। मयूरी दिखाई दे रहा है। यस आरबीसी के बाद सेकंड है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल। यानी कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। और इसका जो सेकंड नेम है, डब्ल्यूबीसी के सेकंड नेम को हम क्या बोलते हैं? सर। ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, राइट? नाम से पता चल रहा है, ल्यूकोसाइट। याद रखना, यानी कि ये लीको, इस लीको का मीन्स ही होता है व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट। और साइट का मीन्स क्या होता है? सेल। यानी कि ये कौन सी सेल है? ब्लड की व्हाइट सेल है। ब्लड की कौन सी सेल है? व्हाइट सेल है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड की है तो ब्लड बोलेंगे ना, व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं इसको, राइट? यानी कि ये ब्लड की कैसी है? व्हाइट सेल है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं? बिकॉज इसका सेकंड नाम क्या है? लीकोसाइट। लीकोसाइट दो वर्ड से मिलकर बना है। लीको का मीन्स होता है व्हाइट और साइट का मीन्स होता है सेल। यानी कि व्हाइट सेल। और व्हाइट सेल किसकी है? ब्लड की। इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। यहां तक आपको समझ में है? क्या बोलेंगे इसको? व्हाइट ब्लड सेल, राइट? मैं मिटा दूं इसको, ठीक है? यस व्हाइट ब्लड सेल। इसके बाद इसके लिखो बेटा फीचर्स। इसके फीचर्स लिखो, हेडिंग लिखो फर्स्ट डब्ल्यूबीसी में, और लिखो वहां पे फीचर्स ऑफ, फीचर हेडिंग डालो फीचर्स, राइट? क्वेश्चन बनता है यहां से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात याद रखना, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट हो, ब्लड में ओनली तीन प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट। सभी का निर्माण कहाँ से होता है? बोन के अंदर, बोन मैरो से होता है इन द एडल्ट, राइट? दूसरी बात यह है कि प्लेटलेट और आरबीसी के अंदर मैच्योर फॉर्म में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योर फॉर्म में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ब्लड की एकमात्र ऐसी सेल है जिसके अंदर इमैच्योर और मैच्योर दोनों फॉर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वह है कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसलिए कैसी होती है? न्यूक्लियोटाइड सेल होती है। यहाँ लिख रहा हूँ इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ये डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? न्यूक्लियोटाइड सेल होती है। कैसे होती है? न्यूक्लियोटाइड सेल होती है, राइट? डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इसलिए कैसे होती है? न्यूक्लियोटाइड सेल होती है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? न्यूक्लियोटाइड सेल होती है। यहां तक आपको समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है कि वह कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट? दूसरा, अभी मैंने बताया कि अगर मैं इसके कलर की बात करूं, इसकी कलर की बात करूं, तो डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है, अभी नाम से पता चल रहा है कैसा होता है, व्हाइट कलर। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है। डब्ल्यूबीसी का अगर हम कलर की बात करें, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो कलर होता है कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर होता है। डब्ल्यूबीसी का कैसा कलर होता है? व्हाइट कलर होता है। इसी के नाम में इसी का कलर छुपा हुआ है, लीको का मीन्स व्हाइट होता है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है। या फिर इसको आप कैसा बोल सकते हो? कलरलेस बोल सकते हो। व्हाइट कलर की होती है डब्ल्यूबीसी। कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है ड्यू टू एबसेंट ऑफ HB। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एबसेंट होता है, इसकी वजह से कैसी होती है? कलरलेस, या फिर कैसे होती है? व्हाइट कलर की होती है ड्यू टू एबसेंट ऑफ HB।
यहाँ तक आपको प्रेजेंट आया, बेटा हीमोग्लोबिन के एब्सेंट की वजह से व्हाइट कलर की होती है। अगर हीमोग्लोबिन पे प्रेजेंट होता तो कैसी दिखती? रेड कलर की दिखती, राइट। तो कलर याद रखना, कलर कैसा होगा? व्हाइट कलर होगा। कैसा होगा? व्हाइट कलर। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी साइज की, इसके साइज कैसी होगी, इसके बात करना बेटा साइज की। तो अगर इसकी साइज देखी जाए, आरबीसी की कोई भी डेफिनेटिव साइज नहीं होती है और शेप नहीं होती है। अगर इसकी साइज की मैं बात करूं, साइज कैसी होगी? इरेगुलर होगी, इरेगुलर शेप्ड होती है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? इरेगुलर शेप्ड होती है। अरे आपने अंबिबा देखा, अंबिबा की डब्ल्यूबीसी किस प्रकार से होती है? यह डब्ल्यूबीसी है क्या, इसकी रेगुलर शेप्ड है? नहीं है ना, अंबिबा की जैसी होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती है। ये बैक्टीरिया को फेगोसाइट करने के लिए अपनी साइज में, अपनी शेप में क्या करती है बेटा, चेंजेस करती रहती है। इसलिए इसका कैसा होता है? इरेगुलर शेप होती है। जब बैक्टीरिया वायरस का भक्षण करती है तो ये अपनी साइज को, अपनी शेप को चेंज करती रहती है। इसलिए इरेगुलर क्या होती है बेटा, इसकी शेप होती, कोई रेगुलरिटी में इसकी कोई शेप नहीं होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? देन डब्ल्यूबीसी को, यानी कि अगला पॉइंट बेटा या फीचर्स के अंदर पहला पॉइंट इंटरनी डाला क्या जाता है, यानी कि पहला पॉइंट तो क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोटाइड होती है। दूसरा ये व्हाइट कलर की होती है। तीसरा इसकी साइज कैसी होती है बेटा, इरेगुलर होती है। और डब्ल्यूबीसी फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ, डब्ल्यूबीसी को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट लिखना ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड यानी कि डब्ल्यूबीसी को हम जानते हैं बेटा पुलिसमैन, पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का क्या होता है बेटा? पुलिसमैन होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? बॉडी का पुलिसमैन होता है। ऑल्सो कॉल्ड पुलिसमैन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का पुलिसमैन होता है कौन? डब्ल्यूबीसी। यहाँ तक आपको समझ में है क्या होता है बेटा? पुलिसमैन होता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम फिफ्थ पॉइंट में देखें, इसके फिफ्थ पॉइंट में बात करें किसकी? डायामीटर की। इसकी बात करें डायामीटर की, तो बेटा इसका जो डायामीटर होता है, यानी कि पांच प्रकार के डब्ल्यूबीसी होती है। कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। प्रत्येक साइज का डायामीटर अलग अलग होता है, तो मैं पांचों का एक साथ लिख देता हूँ। यानी इनका डायामीटर होता है कितना? 7 to 20 micrometer। कितना होता है? 7 to 20 micrometer। कभी कभी आपको ऑप्शन में 7 to 18 micrometer भी मिल सकता है, तो कंफ्यूजन मत होना। कितना? 7 to 18 micrometer भी आपको मिल सकता है। अलग अलग उसमें अलग अलग दे रखा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, राइट? नहीं होंगे कंफ्यूजन। देन अगर हम इसकी बात करें सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट में अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल वैल्यू यानी कि नॉर्मल काउंट क्या होता है इसका? डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल हम काउंट की बात करें, नॉर्मल काउंट की हम बात करते हैं बेटा किसके अंदर? नंबर वन हम बात करते हैं इन्फेंट के अंदर। अगर इन्फेंट के अंदर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी के काउंट की हम बात करें, इन्फेंट के अंदर क्या होती है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है और प्लेटलेट होती है, उनके नंबर क्या होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं। तो इन्फेंट के अंदर कितना होगा? यानी कि 20,000 माइक्रो पर एमएम क्यूब। कितना होगा बेटा? सॉरी माइक्रो नहीं आएगा, 20,000 सेल पर एमएम क्यूब। कितना आएगा? 20,000, ठीक है, पहले 2000 लिखा हुआ था, यानी कि बेटा 20,000, 4 0 है 2 के बाद, राइट, 20,000 सेल पर एमएम क्यूब होगा। इसके बाद अगर सेकंड बात करें चिल्ड्रन के अंदर कितना होगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर के हम बात करें, चिल्ड्रन के अंदर होता है 10,000 से 15,000। कितना होगा?
10,000 to 15,000 cell per mm cube, right? अगर बात करें थर्ड पॉइंट में एडल्ट के अंदर कितना होगा, एडल्ट एडल्ट की हम बात करें, एडल्ट के अंदर होता है 4,000 से 11,000 सेल, 4,000 से कितना होगा 11,000 सेल पर एमएम क्यूब, कितना होगा पर एमएम क्यूब, ये आपको समझ में आ रहा है। इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है आप जानते हो, इन्फेंट होता है यानी कि बच्चे के एज अभी अभी बर्थ हुआ है, यानी कि 28, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 29 डेज, कितना 29 डेज टू 1 ईयर, राइट। 28 दिन से लेके 1 साल का जो बच्चा होता है उस बच्चे को हम इन्फेंट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं इन्फेंट के नाम से, 29 दिन से लेके 1 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं इन्फेंट, कंफ्यूजन नहीं हो रहे, यानी कि 0 से लेके 28 डेज का जो होता है उसको न्यू बोर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यू बोर्न बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे उसको न्यू नेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे न्यू नेंट। इसमें भी दो होते हैं, एक तो होता है 0 से 7 अर्ली वाला, एक होता है 8 से 28 लेट न्यू नेंट, या फिर न्यू बोर्न बोल सकते हो, राइट। पीडीएम में मैंने पढ़ाया था, फिर पढ़ाऊंगा, यहाँ तक आपको समझ में आया या नॉर्मल काउंट आपको समझ में आ गया। देन इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस, 7 पॉइंट, यानी कि फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के फंक्शन कौन कौन से है उसकी हम बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। सबसे पहला फंक्शंस क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, क्या करेगी फेगोसाइटोसिस करती है, क्या करती है फेगोसाइटोसिस करती है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स से हमारी बॉडी को बचाए रखने के लिए ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, उनका फेगोसाइटोसिस करती है, यानी कि उस फॉरेन पार्टिकल्स बैक्टीरिया वायरस या फंगाई कुछ भी हो सकता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मीन्स होता है कि हमारे बॉडी पे आउटसाइड ऑफ द बॉडी का जो पार्ट एंटर हो जाता है उसको किल करने का काम करती है, राइट। दूसरा काम होता है डब्ल्यूबीसी का, सेकंड फंक्शंस होता है ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, राइट, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जैसे आपने देखो ना होगा सेलुलर इम्यूनिटी, हाँ ये क्या करती है बेटा एंटीबॉडी का निर्माण करती है। देन इसके बाद ये क्या करती है इसका एंटीस्टामिन यानी कि एलर्जी के अगेंस्ट में फंक्शंस करने का भी काम करती है, यानी कि एंटी स्टामिन फंक्शंस भी करती है, एंटीस्टामिन यानी कि एलर्जी से बचाने का काम भी करती है, राइट। और बेटा सिक्रेशन करती है किसका केमिकल मीडिएटर का, फॉर फंक्शंस यानी कि सिक्रेशन करती है किसका केमिकल मीडिएटर का, सिक्रेशन करती है किसका बेटा केमिकल मीडिएटर का, इसका केमिकल मीडिएटर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टामिन, स्टामिन राइट, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप स्टामिन लिख दो या फिर क्या लिख दो हेपेरिन एटीसी, ये सब क्या होते हैं बेटा केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, इनका काउंसिल में इनका क्या करती है बेटा सिक्रेशन करती। एक बार फिर बता रहा हूं डब्ल्यूबीसी देखो इधर, यानी कि डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं,
व्हाइट ब्लड सेल के नाम से क्यों जानते हैं? बिकॉज डब्ल्यूबीसी का जो सेकंड नाम है वह कैसा होता है? लिकोसाइट होता है। सेकंड नाम क्या होता है? लिकोसाइट होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये कैसी होती है? व्हाइट होती है। देखो लिकोसाइट की अगर हम बात करें, लिकोसाइट दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो लिको प्लस साइट, यानी कि लिको का मीन्स ही क्या होता है? व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट। और साइट का मीन्स क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट सेल। क्या बोलेंगे? व्हाइट सेल। और ये व्हाइट सेल किसकी है बेटा? ब्लड की। ये व्हाइट सेल किसकी है? ब्लड की है। ये व्हाइट सेल किसकी है? ब्लड की है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाइट। क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल, राइट। क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। ये व्हाइट इस कलर होते इस कारण होते हैं क्योंकि इनके अंदर एब्सेंट होता है क्या? हीमोग्लोबिन। आरबीसी रेड कलर की इसलिए होती है बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? एचबी प्रेजेंट होता है। यहां तक आपको समझ में आया? देन डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, याद रखना। मान लीजिएगा कि डब्ल्यूबीसी है, राइट। इस डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्लेटलेट और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। याद रहेगा मैच्योर फॉर्म में एब्सेंट होता है, इमैच्योर फॉर्म में वहां पर भी प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेटेड सेल बोलते हैं। दूसरी बात, डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी शेप अगर हम बात करें, इसकी साइज कैसी होती है? इरेगुलर होती है, बिकॉज ये जब फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती है तो अपनी साइज में चेंजेस करती रहती है। अपनी साइज में क्या करती रहती है? चेंजेस करती रहती है। डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम है, इसको हम पुलिसमैन ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुलिसमैन ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं। अगर इसका डायमीटर की बात करें, सबका अलग अलग डायमीटर होता है। न्यूट्रोफिल का अलग होता है, मोनोसाइट का अलग होता है, लिम्फोसाइट का अलग होता है। ये सब टाइप है किसका? डब्ल्यूबीसी का। इसलिए मैंने सभी को एक रेंज में लिखा है। आगे जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वहां सबका अलग अलग पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर इन सब का अगर हम बात करें कितना होता है? 7 से 20 माइक्रोमीटर होता है। किसी किसी बुक में 7 से 18 माइक्रोमीटर भी दे रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। अगर नॉर्मल वैल्यू, अगर नॉर्मल काउंट ऑफ द डब्ल्यूबीसी की हम बात करें, इन्फेंट के अंदर कितना होता है? 20,000 सेल पर एमएम क्यूब होता है। चिल्ड्रंस के अंदर कितना होता है? 10,000 से 15,000 सेल पर एमएम क्यूब होता है। एडल्ट के अंदर 4,000 से 11,000 सेल पर एमएम क्यूब होता है, राइट। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है बॉडी में? फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है? फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी करती है, हमारी बॉडी को क्या करती है? डिजीज इंफेक्शन से फ्री रखने का काम करती है। फॉरेन पार्टिकल्स हैं सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनको किल करने का काम करती है। फेगो का मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन, साइट का मीन्स सेल, राइट। यानी कि बैक्टीरियल सेल का डिस्ट्रक्शन करने का काम करती है कौन? डब्ल्यूबीसी। उसी को हम क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस। देन एंटीबॉडी का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करती है, जैसे टी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी आपने सुना होगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, वह क्या एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। देन एंटीस्टामिन, जब आप इसे 10 पार्टिकल पे जाते हो, आपके रनिंग नोज हो जाती है, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन रेडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? स्किन रेडनेस हो जाती है, तो वहां पर एंटीस्टामिन का भी काम करती है। एंटीस्टामिन मींस आपके अंदर जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं, उन एलर्जिक सिम्टम्स को क्या करती है? ओवरकम करने का काम करती है, उनके सिम्टम्स को कम और सप्रेस करने का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन फंक्शंस।
एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन किसके लिए होता है? एलर्जी के लिए। और हिस्टामिन एलर्जी क्यों होती है? हिस्टामिन के बढ़ जाने की वजह से। अब ये क्या करते, हिस्टामिन को कम कर देती है, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी, एंटी मींस अगेंस्ट में, राइट, हिस्टामिन को कम कर देती है। दूसरा सीक्रेशन करते है किसका? केमिकल मीडिएटर का। केमिकल मीडिएटर जैसे कि हिपे यानी कि हिस्टामिन, जैसे हिस्टामिन बेटा हिस्टामिन है, हिस्टामिन राइट, एंड हिपेरिन ईटीसी, ब्रेडिकाइनिन होता है, सीरोटोनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ये सब केमिकल मीडिएटर है, लेकिन सबको नहीं लिख सकते हैं, हिस्टामिन एंड हिपेरिन ईटीसी, राइट। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? मैं इसको मिटा दूं बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या हुआ डायमंड, क्या हो रहा है? पानी पी लो, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा होगा। पानी पी लो, पानी पी गया। इसको मिटा दूं, लिख लो बेटा, लिखो जल्दी करो। उसके बाद अगला हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी या टाइप्स ऑफ लिकोसाइट, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी या फिर टाइप्स ऑफ लिकोसाइट, या तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बोलो या फिर क्या बोलो, टाइप्स ऑफ लिकोसाइट। बेटा आपको कितने बजे निकलना है? लेकिन फिर बस नहीं छूट जाए, 8 बजे तक रुको। टाइप्स पढ़ के जाना है ना, अब तो आपका वो रमजान खत्म हो गया होगा ना, टाइप्स पढ़ लो उसके बाद चले जाना है ना, अगर फिर जल्दी है तो फिर चले जाए। आपने लिख लिया मयूरी, मिटा दूं? यस सर, मिटा दूं। मयूरी सुन पा रहे हैं आप? हाँ यस। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या है? टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है? डब्ल्यूबीसी के प्रकार, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी का मीन्स डब्ल्यूबीसी के प्रकार। और डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? लिकोसाइट। क्या बोलेंगे? लिकोसाइट बोलेंगे, यानी कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, राइट। अगर हम मेजर बात करें तो डब्ल्यूबीसी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। डब्ल्यूबीसी कैन डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कैन डिवाइडेड, कैन डिवाइडेड into two major group, group बोल सकते हो आप, two major group या फिर two major part, right? WBC या तो दो major part में या दो group में क्या होती है? Divide होती है, यानी कि WBC can divide into two major group या फिर two major part बोल सकते हो, right? यानी कि जो WBC होती है, WBC दो पार्ट में, दो मेजर पार्ट में या दो ग्रुप में क्या होती है? डिवाइडेड होती है। और दो ग्रुप कौन कौन से होते हैं? देखो इधर, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा,
डिवाइडेड होता है और वो टू ग्रुप कौन कौन से होता है, एक तरफ लिख रहा हूँ एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा क्या होता है बेटा ग्रेनुलोसाइट होता है, दूसरा क्या होता है ग्रेनुलोसाइट, यानी कि लिख रहा हूं यहाँ पे ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं इसको ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, राइट, क्या बोलेंगे ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, और इसको बोलेंगे क्या ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी। एक तो क्या होती है डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलर होती है और दूसरी क्या होती है ए ग्रेनुलर होती है। देखो फॉर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, ये क्या है डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है डब्ल्यूबीसी की सेल है, यानी कि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है। देखो यहाँ देखोगे आप इसके अंदर तो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही सेल, देखो दोनों में क्या होता है न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस के साथ में क्या होते हैं बेटा ग्रेन्यूल्स, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसमें क्या होता है डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस के साथ क्या होता है ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स भी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसी सेल मतलब ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के साथ में इस प्रकार से क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, इस प्रकार से क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, और यहाँ पर देखो किसी टाइप का कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है तो इसको ग्रेनुलोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ क्या होते हैं यहाँ जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ग्रेन्यूल्स वो कैसे होते हैं एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको ग्रेनुलर ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, राइट, क्या बोलेंगे ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी बोलेंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स होता है ग्रेनुलर जो डब्ल्यूबीसी होती है ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी फर्दर तीन पार्ट में क्या होती है डिवाइड होती है, कितने पार्ट में तीन पार्ट में, जो ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी होती है फर्दर तीन टाइप्स में क्या होती है डिवाइड होती है, जो ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी होती है यह फर्दर थ्री टाइप्स में क्या होती है बेटा डिवाइड होती है, अगेन डिवाइड होती है कितना थ्री टाइप्स में। एक यहाँ पर कैसे याद रखेंगे इसका ट्रिक याद रखने का ये रख लो, इसको क्या बोल दो आप बेंड बोल दो, क्या बोल दो बेंड, ठीक है, बीटा मीन्स यहाँ लिख रहा हूं बेसोफिल, बीटा मीन्स क्या होता है बेसोफिल, राइट, देन ईटा मीन्स इवोसिनोफिल बोलते हैं इवोसिनोफिल्स, और एन मीन्स न्यूट्रोफिल्स, क्या बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स बोलेंगे, राइट, यानी कि बेसोफिल्स इवोसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये तीन सेल होती है किसकी ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी की, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी अगेन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट बेंड, याद रहेगा बेंड बी स्टैंड फॉर बेसोफिल ए स्टैंड फॉर इवोसिनोफिल एंड स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल्स, याद रहेगा बी स्टैंड फॉर बेसोफिल्स ए स्टैंड फॉर इवोसिनोफिल एंड स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल्स, यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद जो ग्रेनुलर एटा मीन्स देखो यहाँ पर एक ग्रेनुलर नाम से पता चल रहा है एटा मीन्स क्या होता है एब्सेंट, ग्रेन्यूलर वह डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेन्यूल्स क्या होता है एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी अगेंस्ट फर्दर डिवाइडेड होती है इन टू पार्ट, कितने पार्ट में अगेन डिवाइड होती है टू पार्ट में, राइट, कितने पार्ट में डिवाइड होगी टू पार्ट में, एक को हम बोलेंगे क्या मोनोसाइट, एक हम क्या बोलेंगे मोनोसाइट बोलेंगे, राइट, और दूसरे को बोलेंगे क्या लिम्फोसाइट, एक को मोनोसाइट बोलेंगे दूसरे को क्या बोलेंगे लिम्फोसाइट, राइट, दो पार्ट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है,
डायरेक्ट प्रकार पूछे, ऑप्शन में पांच है तो पांच लिखना, पांच प्रकार के होती है, याद रखना। यहाँ लिखा रहा हूं मैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी पांच टाइप्स की होती है। कितने टाइप की? पांच प्रकार की होती है, तीन और दो पांच। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड में टोटल सेल कितने प्रकार की होती है, टोटल सेल कितने होती है, कितने प्रकार की होती है, तो लिखना सेवन टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? सेवन टाइप्स की। ब्लड में टोटल ब्लड सेल्स सेवन टाइप्स की होती है, आरबीसी, प्लेटलेट और पांच डब्ल्यूबीसी। दो तो आरबीसी और प्लेटलेट हो गया, और पांच क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी। पांच प्लस दो कितना हो गया? सात। ब्लड में टोटल सात टाइप के क्या होते हैं बेटा? ब्लड सेल प्रेजेंट होती है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि जो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट अग्नेन डिवाइडेड होता है इन टू पार्ट। लिम्फोसाइट भी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट। कितने पार्ट में? टू पार्ट। एक तो क्या होता है? टी लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। और दूसरा क्या होता है? बी लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? बी लिम्फोसाइट होता है। एक तो टी लिम्फोसाइट होता है, दूसरा क्या होता है? बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्यों बोला? क्योंकि बोन ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल का फॉर्मेशन और ओरिजन कहां से होता है? बोन मैरो से होता है, यानी कि इनसाइड द बोन से होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है कि ओरिजन दोनों का उत्पत्ति जो प्लेस है वह तो क्या है? बोन मैरो। लेकिन एक में क्या होता है कि जन्म तो किसने दिया? बोन ने दिया, लेकिन मैच्योरेशन कहाँ हुआ? थाइमस ग्लैंड में, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। यानी कि जन्म तो कहाँ हुआ? बोन में। मैच्योरेशन कहाँ हुआ? थाइमस ग्लैंड में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टी लिम्फोसाइट। मतलब ओरिजन और मैच्योरेशन डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है? बोन के अंदर, इसलिए बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। बी का मीन्स बोन होता है, टी का मीन्स थाइमस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि ये जो डिवाइडेड हुआ था इनके ओरिजन एंड मैच्योरेशन के आधार पे हुआ था। यानी कि ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल का ओरिजन कहाँ से होता है? बोन से होता है, बोन मैरो से होता है। और लेकिन डेवलपमेंट लिम्फोसाइट का जो डेवलपमेंट थाइमस ग्लैंड में होता है उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, जो डेवलपमेंट बोन के अंदर होता है उसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। आगे बेटा मैं लिखाऊंगा इनको, राइट। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ। यानी कि इसका ओरिजन, ओरिजन तो कहाँ से होता है? बोन मैरो से। ओरिजन कहाँ से होता है? बोन मैरो से। बट इसका मैच्योरेशन, मैच्योरेशन कहाँ से होता है? मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड पे होता है। मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। मैच्योरेशन समझते हैं आप? मैच्योरेशन को बोलते हैं क्या? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? थाइमस ग्लैंड पे, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो ओरिजिन होता है, इसका क्या ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन होता है वह कहाँ से होता है? बोन से। कहाँ से होता है? बोन से, यानी कि बोन मैरो से। ओरिजिन कहाँ से होता है? बोन से, यानी कि बोन मैरो से। और इसका जो मैच्योरेशन होता है, क्या होता है? मैच्योरेशन या फिर डेवलपमेंट बोल दो, मैच्योरेशन या फिर क्या होता है? डेवलपमेंट। एक कहाँ पे होता है? ये भी कहाँ? बोन मैरो पे ही होता है। मैच्योरेशन डेवलपमेंट भी कहाँ पे होता है? बोन मैरो पे ही होता है। यानी कि बोन के अंदर इनका जन्म हुआ और बोन के अंदर इनका मैच्योरेशन हो गया, उसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। जैसे आपका जन्म अदर अदर प्लेस में हुआ है, लेकिन अभी आपका नर्सिंग के रिगार्डिंग डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? भोपाल, यानी कि भोपाल नर्सिंग अकेडमी में हो रहा है। तो आपका मैच्योरेशन प्लेस कौन होगा? भोपाल नर्सिंग अकेडमी, आपका ओरिजिन प्लेस जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। ठीक इसी प्रकार इसका ओरिजिन तो बोन मैरो से हुआ है, लेकिन मैच्योरेशन डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड से होने से इसको हम क्या बोलेंगे? टी लिम्फोसाइट। टी का मीन्स थाइमस ही होता है बेटा,
और इसका मैच्योरेशन और ओरिजिन बोन मैरो से हुआ है, इसलिए इसको बोन लिम्फोसाइट बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? बी लिम्फोसाइट बोलेंगे, राइट? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? याद रहेगा। देन इसके बाद ये फर्दर फिर डिवाइड होती है, लेकिन मैं इधर समझा, आप नीचे लिखना, आप ऐसे नीचे ही लिखना, राइट? मैं यहां लिख रहा हूं टेल लिम्फोसाइट फर्दर क्या होती है? डिवाइड होती है। टेल लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड होती है, यानी कि फोर टाइप में। कितने टाइप में? फोर टाइप में। एक को बोलते हैं बेटा सीडी प्लस फोर, दूसरी को बोलते हैं सीडी प्लस एट, और तीसरी को बोलते हैं टी सप्रेसर। क्या बोलेंगे? टी सप्रेसर, यानी कि जो सीडी फोर किल होती है उसको सप्रेस करते हैं किल होने से, राइट? और एक होती है यानी कि साइटोकाइनिन, यानी कि एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स, यानी कि सीडी फोर का दूसरा नाम है, एक और नाम दिया हुआ है कि जो सीडी फोर है, इस सीडी फोर का नाम है टी हेल्पर। क्या नाम है? टी हेल्पर, राइट? इसको टी हेल्पर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? टी किलर बोलेंगे, राइट? टी हेल्पर, टी किलर। ये इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई या इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम काम करते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो देखे तो इनका नॉर्मल जो रेशियो होता है 2:1 होता है नॉर्मल कंडीशन में। कैसा होगा? 2:1। अगर एच आई वी इंफेक्शन हो जाए, क्या हो जाए? एच आई वी इंफेक्शन हो जाए। एच आई वी इंफेक्शन में इनका जो रेशियो होता है वो कैसा हो जाता है? 1:2, यानी कि बचाने वाली 1 हो जाती है और मरने वाली 2 हो जाती है। यानी कि डायरेक्ट क्या करते बेटा? फाइट करती फॉरेन पार्टिकल के, फाइट के दौरान किल हो जाती, उसको टी किलर सेल बोलते हैं। इनको मेंटेन करने का काम टी सप्रेसर करती है, और देन जो एनके सेल का मींस होता है नेचुरल किलर सेल, जो अपने आप डाई होती है, एक अपना लाइफ स्पैन सर्वाइव करने के बाद जो डाई हो जाती है उसको बोलते हैं एनके सेल। ये इन्वेस्टिगेशन अच्छा है, एचआईवी के लिए होता है। अगर रेशियो कितना आ जाए बेटा, यानी कि 1:1, यानी कि हेल्पर कितने हो जाए 1, किलर कितने हो जाए 2, तो यहाँ से डॉक्टर को इतना इंडिकेशन मिल जाता है किस पेशेंट को क्या हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, तो डॉक्टर क्या स्टार्ट कर देता है? एंटी रिट्रो थेरेपी स्टार्ट कर देता है। एंटी रिट्रो क्या कर देता है बेटा? ARP स्टार्ट कर देता है, एंटी रिट्रो थेरेपी स्टार्ट कर दिया। रिट्रो का मीन्स एचआईवी वायरस होता है, रेट्रो वायरस, सुना आपने? वो एचआईवी वायरस होता है, उसको किल करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए डॉक्टर ARP थेरेपी स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? ARP थेरेपी स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन बेटा, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी शॉर्ट में देख लो। यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है, एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, टी लिम्फोसाइट क्या करता है? सेलुलर, यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी इम्यूनिटी? सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सेलुलर इम्यूनिटी क्या करती है बेटा? ये प्रोवाइड करती है, राइट? टी सेल कौन सी इम्यूनिटी देती है? सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी? सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, राइट? और जो बी है, ये बी प्रोवाइड करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, राइट? यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करती है? बी लिम्फोसाइट। सेलुलर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करती है? टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं बार क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं बार क्वेश्चन आया है, कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलुलर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करती है, लिखना है टी लिम्फोसाइट। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? लिखना है बी लिम्फोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप होता है। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड टी लिम्फोसाइट, और ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? बी लिम्फोसाइट। कदापि नहीं बोलेंगे,
अपने ब्रेन के मेमोरी में परमानेंटली क्या कर लो बेटा, सेव कर लो, इनको आता ही रहता है, आता ही आता है। अगर हम फिर बात करें इनके डायामीटर की, अगर आपसे पूछा जाए कि बेसोफिल का डायामीटर कितना होता है, तो इसका डायामीटर इंपॉर्टेंट है, अगर इसका डायामीटर पूछे तो लिखना 8 to 10 माइक्रोमीटर। आपने पहले रेंज में लिखा था, आप सबका अलग अलग लिख लो। बेसोफिल का डायामीटर कितना होता है? 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। अगर इवोसिन का पूछा जाए तो लिखना इवोसिन का होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है। अगर न्यूट्रोफिल्स का पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल्स का डायमीटर लिखना है 12 से 14 माइक्रोमीटर, 12 to 14 माइक्रोमीटर होता है बेटा इसका न्यूट्रोफिल्स का। अगर आपसे पूछा जाए, वहां पे लिखा है क्या, मोनोसाइट, मोनोसाइट का पूछा जाए तो मोनोसाइट का जो डायमीटर होता है ये होता है बेटा 14 to 18 माइक्रोमीटर। देखो मैंने पहले रेंज में कितना लिखाया था, 7 से कितना लिखाया था 18 या फिर 7 से 20 लिखाया था। एक इसका कितना होता है, 14 से 18 माइक्रोमीटर होता है। उधर जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट का डायामीटर सबसे छोटा होता है, इसको स्मॉलेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो डायामीटर होता है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, लिम्फोसाइट का डायामीटर होता है 7 to 12 माइक्रोमीटर, 7 से 14 माइक्रोमीटर होता है। याद रखना ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती बेटा कौन, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है, लिखना लिम्फोसाइट। और लार्जेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, अगर लार्जेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी पूछा जाए, लार्जेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी पूछा जाए तो आपको लिखना है क्या, मोनोसाइट। याद रखना मोनोसाइट लार्जेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल के नाम से भी जानते हैं, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैंने आपका डब्ल्यूबीसी का जो डायमीटर बताया था वो बताया था बेटा कितना, 7 to 18 माइक्रोमीटर, या फिर बताया था 7 to 20 माइक्रोमीटर। कैसे कैसे बुक में ये लिखा है, कैसे कैसे में ये लिखा है, देखो यानी कि मोनोसाइट का कितना है 18, राइट, और इसका कितना है 7 से 18 हो गया। सबसे बड़ा डायमीटर है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, और इसका जो न्यूक्लियस है मोनोसाइट का न्यूक्लियस वो किडनी सेल का होता है। सबको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, लिख लो। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी सेल का होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है, या फिर क्या बोल सकते हो, ब्रेन शेप्ड होता है। कैसा होता है, या तो किडनी शेप्ड बोल सकते हो या ब्रेन शेप्ड बोल सकते हो, राइट, किडनी शेप्ड बोल सकते हो, ब्रेन शेप्ड बोल सकते हो। कैसा होता है इसका न्यूक्लियस, या तो किडनी शेप बोल सकते हो या ब्रेन शेप्ड बोल सकते हो, राइट। नहीं बोलोगे, अरे बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना, कैसा होता है इसका, तो किडनी से बोल दो या फिर क्या बोल दो, ब्रेन से बोल दो। और इसको फोर्स, घोड़े का सूज, पांव के जैसे घोड़े का जो सूज होता है इसको बोलते हैं फोर्स सूज से भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। या तो किडनी से बोल दो, ब्रेन से बोल दो, या फिर क्या बोल दो, फोर्स से। फोर्स मीन्स घोड़ा, घोड़े के जो पांव में नाल होते हैं उसके जैसा होता है, घोड़े के सूज जैसा होता है, फोर्स से।
घोड़े के पाँव जैसा होता है, पाँव नीचे का जो होता है ना उसके जैसा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया याद रहेगा। कभी कभी इनका परसेंट ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, याद रखना जो टेल इंफोसाइट बेल इंफोसाइट का पूछ लेता है। अगर मैं इसको 100% मान लू, कितना मान लू 100%, तो 100% में से 75% तो कौन होती है बेटा, यानी कि टेल इंफोसाइट ही होती है, और 25% कौन होती है बेल इंफोसाइट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है उनमें से भी, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 70% तो कौन होती है टेल इंफोसाइट, और 25% कौन सी होती है बेल इंफोसाइट। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर मैं दूसरी बात करूं, कल डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बेसोफिल नाम से पता चल रहा है, बेसोफिल क्यों बोलते हैं बेटा? बेसो बेसो का मीन्स होता है बेसिक, बेसो का मीन्स क्या होता है बेसिक। बेसोफिल क्यों बोला? इस बेसो का मीन्स क्या होता है बेसिक होता है। ये क्या होता है? बेसिक डाई से स्टेन होती है। कौन से डाई? बेसिक डाई से क्या होती है स्टेन होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेसोफिल बोलते हैं। बेसिक डाई से क्या होती है, बेसिक डाई का नाम है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू डाई से क्या होती है बेटा स्टेन होती है, इसलिए इसको बेसोफिल बोला। और जो इओसिनोफिल है नाम से पता चल रहा है, ये कौन से डाई से इओसिन डाई से क्या होती है स्टेन होती है, अभिरंजित होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इओसिनोफिल। और जो इओसिन डाई होती है एक एसिडिक डाई होती है, कौन से डाई होती है एसिडिक डाई होती है, कंफ्यूजन नहीं होना। न्यूट्रोफिल्स नाम से पता चल रहा है ये कैसी होती है, यानी कि बेसिक बेसिक प्लस एसिडिक दोनों, बहुत डाई से क्या होता है बेटा स्टेन होता है, बहुत डाई से क्या होता है स्टेन होता है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। बहुत डाई से क्या होता है स्टेन होता है, इसलिए इसको क्या बहुत डाई से स्टेन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। आगे आपको समझ में, यानी कि दूसरी बात इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं फंक्शन देख ले, इनके फंक्शंस के बारे में देखे, बेसोफिल के फंक्शंस के बारे में देखे। बेसोफिल क्या करती है केमिकल मीडिएटर रिलीज करते, केमिकल मीडिएटर क्या करते बेटा रिलीज करती है, केमिकल मीडिएटर रिलीज करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हिस्टामिन, हिस्टामिन सेकंड हिपेरिन, थर्ड सीरोटोनिन, सीरोटोनिन एटीसी, एक केमिकल मीडिएटर रिलीज करता है। केमिकल मीडिएटर का मीन्स होता है कि जिस पार्ट में चोट लगी है वहां के सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको केमिकल मीडिएटर कहते हैं। दो के बीच में जो काम करता है उसको मीडिएटर कहते हैं। जैसे आप लोगों की शादी होगी, आप ससुराल पक्ष और आपके घर वाले के पक्ष में कोई एक बीच वाला होगा जो मिलाने का काम करेगा, तो वो क्या है मीडिएटर है कि नहीं, मीडिएटर बोलेंगे ना उसको। बीच के आदमी यानी कि अफेक्टेड पार्ट से नर्वस सिस्टम तक जो इंफॉर्मेशन लेके और लाता है उसको बोलते हैं केमिकल मीडिएटर। देन इसके बाद बेसोफिल, जब तक ब्लड में है तब तक बेसोफिल है, और यही बेसोफिल जब कहाँ चली जाती है टिश्यू के अंदर चली जाती है, तो इसको हम मास्ट सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मास्ट सेल के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसोफिल जब एंटर होती है इसमें टिश्यू सिस्टम ऑर्गन में, तो किस नाम से जानते हैं? मास्ट सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मास्ट सेल में। काम सेम होता है, नाम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशंस। देन इओसिनोफिल, इओसिनोफिल के अगर हम फंक्शंस की बात करें, इओसिनोफिल क्या करती है यानी कि इओसिनोफिल का एक ही फंक्शंस होता है, ये क्या करती है अपने नंबर राइज करते एलर्जी कंडीशन में, यानी कि जो एलर्जेंट है उसे हमें अवॉइड करने का काम करती है, वहां से हमें अवे फॉर्म करने का काम करती है। इसके यह काम करती है यानी कि एंटी हिस्टामिनिक एक्शन करती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके एलर्जिक एलर्जिक एंड पैरासाइट पैरासाइट कंडीशन में अपना नंबर क्या करती है इंक्रीज करती है, और
एलर्जिक में नंबर इंक्रीज करेगी अपना, तो स्नीजिंग, रेडनेस, कफिंग ऐसा स्टार्ट होगा, तो हम उस प्लेस से क्या होंगे बेटा, दूर भागेंगे, तो हमें अवे फ्रॉम करने का भी काम करता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यूएसएन फिल के नंबर कब इंक्रीज होते हैं, किस किस कंडीशन में होते हैं, तो आप बताना है किस इसके नंबर एलर्जिक एंड पैरासाइटिक कंडीशन में क्या होते हैं, पैरासाइट यानी कि पैरासाइटिक कंडीशन में नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, राइट। देन न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड की, यानी कि ये ब्लड की फर्स्ट, न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट, यहां लिखना बेटा, फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है बेटा, ब्लड में फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करता है, राइट। दूसरी बात, यानी कि फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम तो करता ही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेन फेगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं, मेन फेगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं, मेन फेगोसाइटिक सेल इन ब्लड, ब्लड की क्या होती है, मेन फेगोसाइटिक सेल होती है, और इसके ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में क्या करता है, एक्शन करता है। जब भी बॉडी में बैक्टीरियल क्या होगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, तब तब न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल के नंबर क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स के जो नंबर है वह क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब जब बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा तब तब न्यूट्रोफिल्स के नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये बात आपको समझ में आए कि नहीं आए, कि जब जब, और याद रखना न्यूट्रोफिल्स ब्लड में क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट सेल होती है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स ब्लड के अंदर, यहाँ लिख रहा हूँ, 60 से 70% प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा ब्लड में न्यूट्रोफिल ही प्रेजेंट होती है। कितना परसेंट में, 60 से 70% में प्रेजेंट होती है। कितना परसेंट होगी बेटा, 60 से। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट सेल क्या आ सकता है, मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट सेल है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, याद रहेगा कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, राइट, नहीं होंगे। देन इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड सेल और लिखा है, मोनोसाइट, क्या लिखा है बेटा, मोनोसाइट, ये मोनोसाइट कल इनको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। यहाँ मैं अपने समझा रहा हूँ आपको, ताकि कल आपको इजी हो जाए। मोनोसाइट जब तक ब्लड में है तब तक मोनोसाइट है, जब मोनोसाइट आउटसाइड ऑफ द ब्लड चली जाती है, यानी कि कहाँ पे आ जाती है बेटा, टिश्यू या फिर ऑर्गन में आ जाती है, तब इनका नाम चेंज हो जाता है। जब यही मोनोसाइट एंटर करती है किसमें, ब्रेन के अंदर, तब इस सेल को हम बोलते हैं बेटा क्या, माइक्रोग्लिया, क्या बोलेंगे, माइक्रोग्लिया। जब यही सेल एंटर करती है किसमें, लंग्स में, तो इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई सेल, या फिर क्या बोलेंगे, डस्ट सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डस्ट सेल, राइट। जब लंग्स में चली जाती है, जब यही चली जाती है किसमें, लीवर पे, किसमें चली जाती है, लीवर पे, लीवर के अंदर इसको जाना जाता है कूपर सेल के नाम से, इस नाम से जाना जाता है, कूपर, कूपर सेल के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से, कूपर सेल के नाम से जाना जाता है। नहीं भूलोगे, याद रहेगा, रहेगा कि नहीं, क्या याद रहेगा बेटा, क्या याद रहेगा सर, ये ब्लड में रहेगी तो मोनोसाइट रहेगी, टिश्यू में चले जाएगी तो मास्क सेल हो जाएगी, और ब्रेन के अंदर जाएगी तो माइट्रो, हाँ ब्लड में है तब तक मोनोसाइट है, जब टिश्यू के, ब्रेन के टिश्यू के अंदर जाएगी तो माइक्रोग्लिया, लंग्स के टिश्यू के अंदर जाएगी तो एल्वियोलाई सेल या फिर डस्ट सेल, और लीवर के अंदर जाएगी तो कूपर सेल। बेटा ये जो मास्क की कह रहे हो ना, बेसोफिल है, बेसोफिल जब तक ब्लड में तब तो बेसोफिल, अगर ये टिश्यू ऑर्गन में चली गई तो इसको मास्क सेल बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, Okay, नहीं, एक बार मैं इसको फिर समझा दूं, फिर कल से लिखाएंगे बेटा, है ना, कल से सिस्टमेटिक तरीके से हेडिंग लगाएंगे,
ग्रेनुलोसाइट, इसके सब टाइप्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इन सब के बारे में लिखेंगे। याद रखना टोटल ब्लड, यानी कि ब्लड में टोटल टाइप ऑफ जो सेल होती है 7 टाइप की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, प्लेटलेट और 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी। तो 5 + 2 कितना हो गया 7। अगर आपसे टोटल पूछा जाए कि टोटल डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। अगर मेजर ग्रुप में पूछा जाए तो 2 ग्रुप में होती है, राइट। देखो एक तो ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी होती है, दूसरा कौन सा होती है, एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी होती है, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ में ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हो, उसको ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस के साथ साथ ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एग्रेनुलोसाइट। एगो मीन्स एब्सेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स। ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, एग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, राइट। यानी कि ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी अगेन डिवाइडेड इन 3 टाइप। कितने टाइप में, 3 टाइप में डिवाइड होती है। एक को बोलेंगे बेटा बैंड, क्या बोलेंगे, बैंड। बी स्टैंड फॉर बेसोफिल, ए स्टैंड फॉर इओसिनोफिल, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल्स। यहाँ तक समझ में आया। अगर इनके डायमीटर देखे, बेसोफिल का 8 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, इओसिनोफिल का 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है, न्यूट्रोफिल्स का 12 से 14 माइक्रोमीटर होता है। अगर एंटायर पूरी डब्ल्यूबीसी का देखा जाए तो 7 से 18 माइक्रोमीटर आप बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। दूसरी बात, यानी कि न्यूट्रो बेसोफिल का मेन फंक्शंस क्या होता है, बेसोफिल रिलीज करता है बेटा क्या, केमिकल मीडिएटर, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन एटसेट्रा, राइट। दूसरी बात, बेसोफिल को ब्लड के अंदर है तब तक बेसोफिल है, यही बेसोफिल जब क्या होती है टिश्यू के अंदर चली जाती है तब इसको मास्ट सेल के नाम से जानते हैं। बेसोफिल, इसका नाम क्यों पड़ा बेसोफिल, बिकॉज ये बेसिक डाई से क्या होती है, स्टेन होती है। एसिडिक डाई से स्टेन नहीं होती, बेसिक डाई से स्टेन होती है, और बेसिक डाई होती है बेटा मिथाइली ब्लू डाई होती है, राइट। बेसिक डाई से स्टेन होती है इसलिए इसको बेसोफिल बोलते हैं। इओसिनोफिल, इसका डायमीटर 10 से क्या होता है 14 माइक्रोमीटर होता है। इओसिनोफिल एक इओसिन डाई से क्या होता है, स्टेन होता है। इओसिन डाई एक एसिडिक डाई होती है, राइट। इओसिन डाई क्या होती है बेटा, एक एसिडिक डाई होती है, राइट। क्या होती है, एसिडिक डाई होती है। और इओसिनोफिल के नंबर कब इंक्रीज होता है, एलर्जी और पैरासाइटिक कंडीशन में होता है। इनके फंक्शन ये होते हैं कि हमें एलर्जेंट, जहाँ पे हमें एलर्जी है उनसे दूर करने का, अवे फ्रॉम करने का काम करती है, बिकॉज ये इरिटेट कर देती है हमें उस जोन से, उस एनवायरनमेंट से, ताकि हम वहां से जल्दी से निकल जाए। ये क्या करती है, रेडनेस कर देती है, इचिंग कर देती है स्किन में, टियरिंग, रनिंग नोज कर देती है, तो हमें तुरंत वहां से निकलना पड़ता है, और कफिंग भी स्टार्ट कर देती है। देन इसके बाद न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का नाम न्यूट्रोफिल्स क्यों पड़ा, बिकॉज ये न्यूट्रल डाई से क्या होती है, स्टेन होती है। न्यूट्रल मीन्स बेसिक से भी होगा और एसिड से भी होगा, जब बेसिक प्लस एसिड मिलता है क्या बनता है, न्यूट्रल, उसी से नाम पड़ा है इसका क्या, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करने वाली सेल कहा जाता है। ये मेन फेगोसाइटिक सेल के नाम से भी जानी जाती है। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का होता है, 60 से 70% ये प्रेजेंट होती है। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अपना नंबर क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। देन एक ग्रेनुलोसाइट अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट, एक को क्या बोलेंगे मोनोसाइट, दूसरे को क्या बोलेंगे लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का जो डायमीटर होता है वो 14 से 18 होता है। सबसे बड़ा डायमीटर किसका होता है, मोनोसाइट का होता है, इसलिए इसको लार्जेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसका जो न्यूक्लियस है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, किडनी शेप होता है, या घोड़े के सूंड जैसा होता है, या बीन शेप का होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि घोड़े के सूज, ब्रेन सेल, किडनी सेल, न्यूक्लियस किस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है, तो क्या लिखेंगे आप, मोनोसाइट लिखेंगे,
मोनोसाइट साइज में बड़ी होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल। क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट सेल। ये मेन होती है, लार्जेस्ट होती है, ये नंबर छोटे छोटे, इसकी साइज छोटी होती है लेकिन नंबर ज्यादा होते हैं, और ये नंबर बड़े, इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। देन जब तक मोनोसाइट ब्लड में है तब तक मोनोसाइट है, जब ये टिश्यू ऑर्गन में चली जाती है, जैसे ब्रेन के टिश्यूज में चली गई तो इसको माइक्रोग्लिया बोलेंगे, जैसे लंग्स के टिश्यू में चली गई एल्बोलाई सेल बोलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, डस्ट सेल बोलेंगे, या लीवर के टिश्यू में चली गई इसको क्या बोलेंगे, कूपर सेल बोलेंगे। और आपके 17 अप्रैल 2022 MPCHO के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर की फेगोसाइटिक सेल को क्या कहा जाता है, कूपर सेल। यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है, राइट। देन इसके बाद करूं मैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट का डायमीटर होता है 7 से लेके 12 माइक्रोमीटर, 7 to 12 माइक्रोमीटर, सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दी WBC के नाम से जानते हैं। इसका डायमीटर क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दी W, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे लार्जेस्ट मोनोसाइट होती है, कंफ्यूजन नहीं होना। डायमीटर के हिसाब से देख लो, छोटा इसका ही है, बाकी सबसे बड़ा इसका है और बाकी सब इससे बड़े हैं, राइट। देन इसके बाद लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, एक तो टेल लिम्फोसाइट होती है, टेल लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट का 75% क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, और जबकि बी लिम्फोसाइट सिर्फ 25% होती है, ठीक है। टेल लिम्फोसाइट की बी, इनका नाम टी और बी क्यों पड़ा, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ जो बोन होती है उसका ओरिजिन तो बोन मैरो से ही होता है, बोन के अंदर से ही होता है, दोनों का ओरिजिन बोन मैरो से हुआ है। डिफरेंट यह है कि इसका मैच्योरेशन डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, थाइमस ग्लैंड में हुआ है, इसलिए इसको टेल लिम्फोसाइट बोलते हैं, टेल का मींस थाइमस, लिम्फोसाइट के नाम से जानती है। इसका ओरिजिन और जो मैच्योरेशन डेवलपमेंट है वो दो कहाँ पे हुआ है, बोन मैरो के अंदर हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। यानी कि टेल लिम्फोसाइट हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उस इम्यूनिटी को हम यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट होता है वो तो हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उस इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ सेट में कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, यहाँ से इन दोनों से, नॉर्थ सेट में पूछा गया है, MPCHO, अदर स्टेट ऑफ CHO में भी पूछा गया है, DSSP में पूछा गया है, यानी कि ESIC में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनना एक कंपलसरी है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेलुलर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, टी लिम्फोसाइट, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो आप लिखेंगे बी लिम्फोसाइट। और दूसरी बात, टी जो लिम्फोसाइट होती है ये अगेन डिवाइडेड इन फोर टाइप्स, फर्दर डिवाइडेड इन फोर टाइप्स, एक को बोलेंगे ए लिम्फोसाइट, अगेन डिवाइडेड इन फोर टाइप, एक वन टाइप को बोलेंगे CD+4, सेकेंड टाइप को बोलेंगे बेटा CD+8, जो थर्ड टाइप होता है उसको बोलेंगे टी सप्रेसर, जो फोर्थ टाइप होता है उसको बोलेंगे NK सेल। यानी कि CD+4 को हम टी हेल्पर सेल बोलते हैं, हेल्पर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल हमें फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम करती है, और ये सेल क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, यानी कि टी किलर सेल को फाइट करने के लिए बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, जब वो किल हो जाती है तो टी किलर के नाम से जानते हैं, टी किलर को मेंटेन करने का काम टी सप्रेसर करती है, जो टी हेल्पर नेचुरल मरती है उसको नेचुरल किलर सेल के नाम से जानते हैं। CD4 का एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि CD4 प्लस CD8 का जो रेशियो होता है, CD4 प्लस CD8 का रेशियो होता है, नॉर्मल इनका रेशियो 2:1 होता है, नॉर्मल कितना होता है बेटा, 2:1 होता है, नॉर्मल 2:1 होता है, जब ये रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाए, 2:1 हो जाए, तब डॉक्टर को एक मैसेज जाता है कि इस पर्सन को HIV हो सकता है, वहां से ही डॉक्टर क्या करता है, ART स्टार्ट करता है,
एआरटी का मींस होता है एंटी रिट्रो थेरेपी, रिट्रो का मींस रेट्रो वायरस होता है जिसको हम एचआईवी वायरस के नाम से जानते हैं, इसको सप्रेस करने के लिए, इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, इनको क्योर करने के लिए। क्योर क्योरेबल डिजीज नहीं है, एक बार हो गई सो हो गई, इसको आप बॉडी से क्योर नहीं कर सकते हो। समटाइम्स इसका सिम्टम रिलीफ करवा सकते हो, आगे बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हो, बाकी बॉडी से आप इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते हो। आज तक ऐसा कोई केमोथेरेपी ऐसा कोई ड्रग्स नहीं बना है जो इसको क्योर कर दे, राइट। ये क्या करता है, इसको सप्रेस करने के लिए डिस्कार्ड कर देता है। अब कल से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सबका, स्टेप बाय स्टेप सबका एक साथ फंक्शंस देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबका सब कुछ देखेंगे, राइट। आज के लिए क्लास यहाँ तक ही था। मयूरी अगर कोई डाउट है, मनी आप सभी को, तो आप पूछ सकते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे क्लास रिकॉर्ड में है, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ बताइए बेटा। नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा, आज के लिए मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा मयूरी, हो गया मयूरी, मयूरी स्क्रीनशॉट हो गया आपका। ठीक,